जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर स्मार्ट स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए 30 VVI क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत। अब क्वेश्चन नंबर टू, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? जो वस्तु, सीधी सी बात है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है यानी कि प्रदीप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यहाँ पे नहीं आ गया, उसमें था करती है और इसमें है नहीं करती है। तो जो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। और क्वेश्चन नंबर फोर है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, प्रकाश की किरणें किस रेखा पर चलती है? प्रकाश की किरणें ऐसे ऐसे तो चलेगा नहीं, प्रकाश की किरणें हमेशा सरल रेखा में चलती है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किरण को जिस पथ पर दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? किरण को जिस पर पथ पर दर्शाया जाता है उसे किरण आरेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सात है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर एट है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण एक हो गया समतल दर्पण, एक हो गया अवतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण। दर्पण तीन प्रकार के, इनमें से कोई नहीं, तीन प्रकार का होता है लेकिन इनमें से ऑप्शन ही नहीं, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं, आंसर डी। और 11 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है? तो समतल दर्पण, यहाँ पे एक कोई आदमी खड़ा है और ऐसे ऐसे इसका प्रतिबिंब, चलिए देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में बड़ा ही बनता है, छोटा ही बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, इसलिए डी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? साइड मिरर यानी बाइक के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? गाड़ी के हेडलाइट में हमेशा अवतल का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण, इसको पी और एफ के बीच में वस्तु से बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? ये मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ से कोई आपतित किरण फोकस से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? तो धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फोकस और वक्रता केंद्र में क्या संबंध है? तो F बराबर R/2।
राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है माइनस वी बाई यू, आंसर डी। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। निम्नलिखित में दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v + 1/u = 1/f, आंसर ए। 26 नंबर है, वस्तु दूरी को दर्शाते हैं, तो वस्तु दूरी की u से दर्शाते हैं। 27 नंबर, वक्रता त्रिज्य 24 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो ए बराबर होता है R/2, तो F बराबर 24/2, तो 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस दर्पण का फोकस माइनस यानी ऋणात्मक में रहता है? तो अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो आंसर सी। आपतन कोण 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो आपतन कोण 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा, आंसर ए।